गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रेज योर हैंड इफ आई एम ऑडिबल फॉर यू। जल्दी से एंट्रेंस कर दीजिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्लास। अपन काफी सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक एंट्रेंस नहीं करा है, जल्दी से एंट्रेंस कर दीजिए ताकि मेरे को पता चल जाए दैट मेरी वॉइस आप तक क्लियर आ रही है और वीडियो भी आपके लिए एकदम क्लियर है ना। जल्दी से तो बच्चों, प्रीवियस क्लास में अपन बैलेंसिंग सीख रहे थे। कोई भी आपके पास केमिकल इक्वेशन आ जाए उसको बैलेंस कैसे करते हैं, ये टॉपिक अपने चल रहा था कि कैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं ना। इसके बहुत सारे अपन ने एग्जांपल भी देखे थे चैप्टर में। अभी तक क्या देख चुके हैं अपन के, देख व्हाट इज केमिकल रिएक्शन है ना, और केमिकल रिएक्शन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। उसके बाद अपन ने डिस्कस करा था केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक के बाद व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन जिसमें अपन ने देखा बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, अनबैलेंस्ड है तो उसको बैलेंस कैसे करेंगे है ना। तो उसके लिए कुछ रूल्स थे कैसे वो उसको फॉलो करते हुए कोई भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यानी कि स्केलेटन केमिकल इक्वेशन को अपन बैलेंस करते। एक दो क्वेश्चन आज और करेंगे, उसके बाद अपन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की तरफ आगे देखेंगे। तो नेक्स्ट देखिएगा कि आपके पास ऐसी कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए दैट सोडियम प्लस वाटर गिव्स टू सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन ये अपने पास एक केमिकल रिएक्शन आ गई है ना। मैंने कहा इसको बैलेंस करना है और बैलेंस करके लिखना है इसको। तो सबसे पहले अपने को पता है दैट इट इज ए केमिकल रिएक्शन, और पहले इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे अपन, केमिकल इक्वेशन। इसमें कन्वर्ट करेंगे केमिकल इक्वेशन में, और केमिकल इक्वेशन होता क्या है दैट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या आपके पास जो केमिकल रिएक्शन है उसमें जो जो एलिमेंट्स हैं, जो कंपाउंड्स हैं, उनको सिंबल की फॉर्म में लिखना। तो जब कभी ऐसी इक्वेशंस आ जाती हैं तो पहले रिएक्शंस आ जाती हैं तो पहले उसको अपन केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करेंगे तो अपने को पता है कि दैट सोडियम का सिंबल क्या होता है आपके पास बेटा जी, Na। सोडियम का सिंबल क्या होता है अपने पास, Na। वाटर की बात करें तो वाटर का सिंबल आपके पास मॉलिक्यूल का क्या होता है, H2O। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सर सोडियम हाइड्रोक्साइड का सिंबल हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, सोडियम का सिंबल तो पता होगा कि हाँ जी सर Na। हाइड्रोक्साइड का पता होगा हाँ जी सर OH। प्लस वन ये आ गया, माइनस वन वैलेंस इसकी हो गई। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाने पर क्या आएगा, NaOH। और इस NaOH को अपन क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ क्या आ गया आपके पास, NaOH। ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है आपके पास, H। अब इस रिएक्शन को अपने को बैलेंस करनी है कि कैसे करेंगे है ना, अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। कैसे है, कैसे पता चला सर, बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं, 3। तो एक साइड तो हाइड्रोजन आपके पास 2 है और दूसरे साइड जो है हाइड्रोजन आपके पास 3 है, मीन्स रिएक्टेंट के साइड कम है। तो किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करना है तो किस साइड में करेंगे अपन, रिएक्टेंट के साइड में करेंगे। तो रिएक्टेंट के साइड में अपन क्या कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, और यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपके पास कितने थे, 3। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हो गए, 2। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, 1। मैंने कहा जिस साइड कम हो मल्टीप्लाई हमेशा उसी साइड करेंगे। यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन 1 है,
तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, टू से। किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप इसको, टू से। टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास सोडियम प्रोडक्ट के साइड कितना हो गया वन, रिएक्टेंट के सॉरी प्रोडक्ट के साइड कितना हो गया टू, रिएक्टेंट के साइड कितना हो गया वन, इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, टू से। हो गए रिएक्शन बैलेंस। देखो सोडियम इस साइड भी टू है, इस साइड भी टू है, हाइड्रोजन इस साइड भी फोर है, इस साइड भी टू, तो ये है और टू आपके पास, ये यहाँ पे भी कितने हैं, फोर है। ऑक्सीजन यहाँ पे भी टू है, ऑक्सीजन यहाँ पे भी टू है। बैलेंसिंग हो गई रिएक्शन की। बैलेंस करने के बाद में मैंने कहा क्या करना है, इसकी फिजिकल स्टेट लिखनी है। तो सोडियम जो है वो आपके पास मेटल है, तो फिजिकल स्टेट क्या आ जाएगी, सॉलिड। वाटर जो है वो कौन सी स्टेट में प्रेजेंट होता है, लिक्विड। यहाँ आपके पास ये कौन सा सॉल्यूशन बन जाएगा, एक्वस। और यहाँ पे H2 जो है वो आपके पास कौन सी फॉर्म में आएगा, गैस। तो केमिकल रिएक्शन गिवन है, केमिकल रिएक्शन को पहले कन्वर्ट करना है केमिकल इक्वेशन में, और केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद हर एक एलिमेंट को आपको बैलेंस करना है, मीन्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड एलिमेंट के एटम के नंबर जो है वो इक्वल होने चाहिए। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। देखो बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, इससे अपने को क्या प्रोडक्ट क्या मिला, प्रोडक्ट मिला अपने को बेरियम सल्फेट प्लस क्या आ गया अपने पास, सोडियम क्लोराइड। और ये अपने को क्या गिवन है, ये गिवन है अपने को केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन गिवन है कि आपके पास बेरियम सल्फेट है, सॉरी बेरियम क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन जब आप सोडियम सल्फेट के साथ करवा रहे हो तो सोडियम सल्फेट के साथ करवाने पर आपको दो प्रोडक्ट मिलते हैं, एक तो बेरियम सल्फेट मिलता है और दूसरा आपको क्या मिलता है, सोडियम क्लोराइड मिलता है। तो ये केमिकल रिएक्शन है, इसको पहले कन्वर्ट करेंगे किसमें, केमिकल इक्वेशन में। और केमिकल इक्वेशन अपने को पता है क्या होती है, कि दैट केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो बेरियम क्लोराइड, कि बेरियम क्लोराइड का सिंबल क्या होगा, तो बेरियम का सिंबल मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था क्या होता है, Ba। क्लोरीन का सिंबल आपके पास क्या होता है, Cl। बेरियम की वैलेंसी कितनी होती है, +2, और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, -1। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया तो अपने पास क्या आ गया, BaCl। क्या आ गया, BaCl। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो गया आपके पास, BaCl प्लस सोडियम सल्फेट। सोडियम का सिंबल जो है वो अपने पास होता है Na, सल्फेट का सिंबल आपके पास होता है SO। इसकी वैलेंसी कितनी होती है, +1। इसकी वैलेंसी कितनी होती है आपके पास, -2। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाने पर क्या आ गया आपके पास, Na2SO4। तो BaCl2 प्लस अपने पास क्या आ गया, Na2SO4। इससे अपने को प्रोडक्ट क्या मिला, प्रोडक्ट मिला अपने पास बेरियम सल्फेट और आपके पास क्या आ गया, सोडियम क्लोराइड। अब इनके सिंबल क्या होते हैं, व्हाट इज द सिंबल ऑफ बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड, वो देख लेते हैं। बेरियम सल्फेट की बात करें तो अपने को पता है बेरियम का सिंबल Ba होता है, सल्फेट का सिंबल SO4 होता है, इसकी वैलेंसी +2, इसकी वैलेंसी -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, BaSO4। अब कई स्टूडेंट होंगे वो कहेंगे सर BaSO4 क्यों आया, बिकॉज यहाँ पे तो 2 था, यहाँ पे भी 2 था। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, दिमाग में रखनी है अपने को, कि अगर यहाँ पे दो आयन की वैलेंसी इक्वल हो, वैलेंसी सेम हो, तो उसको हमेशा सिंपल रेशियो में लिखा जाता है। इसकी वैलेंसी भी 2 है, इसकी वैलेंसी भी 2 है, तो उसको हमेशा क्या लिखेंगे, सिंपल रेशियो। तो ये तो आपके पास हो गया बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला। नेक्स्ट अपने पास क्या है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na, क्लोरीन का सिंबल क्या होता है, Cl। इसकी वैलेंसी कितनी, +1, इसकी कितनी, -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया क्या आ गया, NaCl। तो एक तो आपके पास आ गया BaSO4 और प्लस आपके पास क्या आ गया, NaCl।
अब देखिएगा, आपने यहाँ पे बीए कितने लिखे हैं, रिएक्टेंट के साइड में कि सर्जी बल लिखे हैं, तो प्रोडक्ट के साइड में भी कितने हैं आपके पास, वन, बीए बैलेंस है। SO4 कितने लिखे हैं, वन, और यहाँ पे भी SO4 कितने हैं, वन, यानी कि सल्फेट बैलेंस है। क्लोरीन कितने लिखे हैं यहाँ पे कि सर जी क्लोरीन तो यहाँ टू है, और यहाँ क्लोरीन कितना है, वन। मैंने कहा जिस साइड कम हो उस साइड अपने को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अपन यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करेंगे, टू से। क्या आ गया आपके पास, टू NaCl। Na कितने थे यहाँ पे, टू, और यहाँ पे भी Na कितने हैं आपके पास, टू। रिएक्शन हो गई, बैलेंस बैलेंस हो गई। तो अपने को फिजिकल स्टेट लिखनी है, ये एक्वस सॉल्यूशन, ये एक्वस सॉल्यूशन, ये आपके पास सॉलिड, और ये आपके पास एक्वस सॉल्यूशन। क्या सर सॉलिड कैसे, तो देखो मैंने आपको एक बात बताई थी स्टार्टिंग में। तो क्या बताई थी, मैंने कहा कि आपके पास केमिकल रिएक्शन का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है परसिपिटेशन, फॉर्मेशन ऑफ परसिपिटेट, है ना, प्रसिपिटेशन का, यानी कि पीपीटी का फॉर्मेशन होता है। पीपीटी का मीनिंग क्या हो गया, कि जो आपके पास एक कंपाउंड है वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होगा, जो वाटर में कम सोलिबल होगा, तो किसका फॉर्मेशन करते हैं, प्रसिपिटेट का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे एक कंपाउंड, इसका एक्वस सॉल्यूशन एक कंटेनर में था, दूसरे कंटेनर में इसका एक्वस सॉल्यूशन था, दोनों को आपने मिक्स कर दिया। मिक्स करने पर NaCl का तो क्या मिला आपको, एक्वस सॉल्यूशन, और BaSO4 वाटर में कम सोल्यूबल था, तो नीचे जाके डिपॉजिट हो गया, नीचे जाके आपके पास डिपॉजिट हो गया, तो ये आपके पास BaSO4 प्रसिपिटेट बनेगा। सर कैसे, मैंने आपको बताया था कि ये आपके पास मान लीजिए कि एक बीकर है, इस बीकर में आपके पास क्या है, या कंटेनर है, इस कंटेनर में आपके पास क्या प्रेजेंट है, बेरियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन, BaCl2 का एक्वस सॉल्यूशन। ये एक दूसरा कंटेनर है, इस दूसरे कंटेनर में आपके पास सोडियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, इसका एक्वस सॉल्यूशन है, Na2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन है इस कंटेनर में। दोनों को मिक्स करा, यानी कि इस दोनों को आपने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो दोनों को मिक्स करने पर एक तो आपके पास जो सब्सटेंस है वो सॉल्यूबल होगा वाटर में, और दूसरा सब्सटेंस जो है वो यहाँ नीचे डिपॉजिट हो जाएगा, और इसको अपन क्या कहते हैं, पीपीटी, यानी कि प्रसिपिटेट। तो ये किसकी होगी प्रसिपिटेट, आपके पास BaSO4 की, और यहाँ NaCl का क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन होगा। ये ऐसी केमिकल रिएक्शन होगी कि जैसे ही दोनों को मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद में ये कंडीशन आएगी। क्लियर है? तो ये आपके पास दो एग्जाम्पल और थे आज, केमिकल रिएक्शन गिवन हो तो उसको कैसे इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करते हैं, और इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करके कैसे उसको बैलेंस करते हैं। ओके, नेक्स्ट अपने पास एक टॉपिक आएगा, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि अपने पास, अपने को इस चैप्टर में कितने टाइप की केमिकल रिएक्शन के बारे में स्टडी करनी, यानी कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती है वो देखना है इस चैप्टर में वो अपने को, है ना। केमिकल रिएक्शन क्या होती है वो अपने को पता है, कि जहां पर केमिकल चेंज होते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं, है ना। केमिकल चेंज का मतलब क्या हो गया, कि कुछ सब्सटेंस जो है वो रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करके क्या करते हैं, नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, उसको अपन कहते हैं केमिकल चेंज। और जहां पर केमिकल चेंज हो वहां पे क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। तो कौन कौन से टाइप की, कितने टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है, तो इसमें आता है एक तो आपके पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड अपने पास आता है डीकंपोजिशन रिएक्शन, थर्ड अपने पास आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन,
डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और एक अपने पास आता है रेडॉक्स रिएक्शन। एक अपने पास कौन सा आ जाता है? रेडॉक्स रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करें तो उसको फर्दर क्लासिफाई करते हैं थ्री टाइप में। कौन कौन सी होती देखिएगा, एक तो आपके पास होती है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, एक आपके पास होती है फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और एक आपके पास होती है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें, अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी दो टाइप की होती है, कौन कौन सी? फर्स्ट टाइप आता है इसका सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और सेकेंड टाइप आता है इसका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन भी दो टाइप की होती है, एक आपके पास कौन सा आता है यहाँ पे रिडक्शन, और दूसरा अपने पास कौन सा आता है ऑक्सीडेशन। तो अपन वन बाय वन सबको क्लियर करते हुए चलेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, एंड रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। तो टोटल फोर टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है अपने पास, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रेडॉक्स। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप से, दैट व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है देखिएगा, दैट केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर देन टू मोर देन टू सब्सटेंस रिएक्ट विथ ईच अदर एंड फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस नॉन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कि वो रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस जो है वो केमिकल रिएक्शन करते हैं, और केमिकल रिएक्शंस करके क्या करते हैं, एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेंगे, तो उस टाइप की केमिकल रिएक्शन को अपन कौन सी रिएक्शन कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आ गया कार्बन प्लस आपके पास आ गया ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन दोनों ने केमिकल रिएक्शन करी, रिएक्शन करके क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका फॉर्मेशन हो गया आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड। तो दो सब्सटेंस हैं केमिकल रिएक्ट कर रहे हैं, केमिकली रिएक्ट करके क्या कर रहे हैं, एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो जो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन अगर इस तरीके से होता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे इसको अगर केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखना हो, सी प्लस ओ टू, किसका फॉर्मेशन हो गया आपके पास, सीओ टू। तो ये क्या है, कौन से रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में अपने को ये ध्यान में रखना है कि दैट टू डिफरेंट सब्सटेंस रिएक्ट विथ ईच अदर एंड फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस, एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, उसको अपन कौन सी रिएक्शन कह देंगे, केमिकल रिएक्शन कह, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह देंगे। कि सर एक दो एग्जांपल और बता दो, कि लाइक आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड आ गया, उसकी रिएक्शन आपने वाटर के साथ करवा दी, कैल्शियम ऑक्साइड आ गया उसकी रिएक्शन आपने वाटर के साथ करवा दी, इससे आपको क्या मिला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COOH। इसको अपन क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। इसकी रिएक्शन आपने किसके साथ करवा दी, वाटर के साथ, वाटर के साथ रिएक्शन करवाने पर आपको क्या मिला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें दो अलग अलग सब्सटेंस आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं, और केमिकल रिएक्शन करके एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, इसको अपन कौन सी रिएक्शन कह देते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह देते हैं।
तो बच्चों अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन समझ आ रही हो तो एक बार जल्दी से हैंड रेस कर दीजिए। जल्दी से अपना हैंड रेस कर दीजिए अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन समझ आ रही हो तो। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मीन्स दैट केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर देन टू सब्सटेंस रिएक्ट विथ ईच अदर एंड फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन की खास बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात क्या है वो देख लेते हैं। कि जितनी भी अपने पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती हैं, ऑल द कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जितनी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो सारे की सारे कौन से रिएक्शन होती हैं, एक्सोथर्मिक। सर एक्सो मीन्स क्या होता है, एक्सोथर्मिक मीन्स मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि एक्सोथर्मिक मीन्स क्या होगा कि जब भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेंगे तो उस समय हीट क्या होगी, इवॉल्व होगी। हीट क्या होगी, इवॉल्व होगी। व्हेन रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट देन हीट इज ऑलवेज इवॉल्व। तो उस टाइप की केमिकल रिएक्शन को अपन कौन सी केमिकल रिएक्शन कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एंड ऑल द कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। All the combination reactions are exothermic reactions. सारी के आपके पास combination reactions जो होती हैं, वो exothermic reaction। जैसे अभी एक अपन ने reaction करी थी, कौन सी के Na plus H2O का formation करा था। जितने भी आपके पास reaction है जिसमें दो substance react करके एक new substance का formation करते हैं, तो वो सारी की सारी reaction कौन सी reaction होगी, combination reaction। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होती है वो कौन सी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक। तो सर ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है कि सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, कि दैट ऑल द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्या रीजन है? तो आइए देखते हैं क्या रीजन है कि सारे की सारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो। गौर फरमाइएगा रीजन पे, क्या रीजन है इसका, why all the combination reactions are exothermic reaction। reason kya hai dekho, when elements combine with each other, then they get stability। Due to this reason, energy or heat is evolved। Energy और heat क्या होती है, बाहर निकलती है। क्या होता है बेटा जी, आपने पढ़ा होगा नाइन्थ में कि why elements react with each other। Element जो है वो एक दूसरे से react क्यों करते हैं, क्या reason? सर क्यों केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड एनी केमिकल रिएक्शन। तो रिएक्शन क्यों होती है, नेचर में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है तो इसके कारण से, यानी कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट का मीनिंग क्या हो गया कि बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन बैलेंस सेल। तो वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए जो एलिमेंट्स हैं वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं। तो दूसरे एलिमेंट के साथ केमिकल रिएक्शन करेंगे तो उनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और जब भी किसी एलिमेंट की या जब भी किसी कंपाउंड की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है तो उस समय एनर्जी हमेशा क्या होती है, बाहर निकलती है। हीट हमेशा क्या होती है, बाहर निकलती है। और इसी कारण से जितनी भी आपके पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो सारे की सारी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। कौन सी रिएक्शन होती हैं, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन को अपन ने डिफाइन करा था स्टार्टिंग में कि व्हाट आर द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, तो दैट केमिकल रिएक्शंस इन विच एनर्जी और हीट इज इवॉल्व ऑन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। वो केमिकल रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के टाइम कुछ अमाउंट ऑफ हीट बाहर निकलती है, उसको अपन कौन सी रिएक्शन कहते हैं,
एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या। ओके, जैसे मान लीजिए कि आपने क्या करा कि आपके पास ये कंटेनर है, ये अपनी बुक की एक एक्टिविटी है, इस कंटेनर में आपके पास वाटर प्रेजेंट है, इस कंटेनर में क्या प्रेजेंट है आपके पास, वाटर प्रेजेंट है। जैसे ही आपने इसमें क्या मिक्स करा, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड मिक्स करा, तो यहाँ पे क्या होगा कि कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके किसका फॉर्मेशन करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन, और इसके साथ साथ ये जो कंटेनर है वो कंटेनर क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, कि पहले तो नहीं था, पहले वाटर अलग था, कैल्शियम ऑक्साइड अलग था, अब आपने क्या करा इसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड मिक्स करा, तो जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड आपने मिक्स किया तो इसने किसका फॉर्मेशन करा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, और यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी आपके पास, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। तो इसके साथ साथ कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही है, तो जो ये कंटेनर है वो क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो क्यों हुआ, बिकॉज जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या है, रिलीज हो गई, और रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी के कारण से ये जो कंटेनर है बाहर से कैसा हो गया, हॉट हो गया। तो इसके कारण से अपन कहते हैं कि जितनी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो सारी की सारी कौन सी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। और इसमें क्या होता है कि टू और मोर देन टू सब्सटेंस से एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो तो उस केमिकल रिएक्शन को अपन कौन सी रिएक्शन कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एनर्जी या हीट इवॉल्व क्यों होती है, इसका रीजन क्या है, बिकॉज जब भी एलिमेंट्स एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो रिएक्ट करने पर कुछ एनर्जी हमेशा बाहर निकलती है, बिकॉज एलिमेंट्स जो है वो स्टेबिलिटी अटेंड करते हैं, तो स्टेबिलिटी के चक्कर में एनर्जी इवॉल्व होती है, और एनर्जी इवॉल्व होती है यानी कि हीट इवॉल्व होती है, तो रिएक्शन को अपन कौन सी रिएक्शन कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है, नेक्स्ट चलते हैं अपन। फर्स्ट था अपने पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नेक्स्ट अपन देखेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट अपने पास कौन सा आ जाएगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट आता है अपने पास डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोज होना, डीकंपोजिशन रिएक्शन मीन्स डीकंपोज होना। डीकंपोज का मतलब क्या होता है, डिसोशिएट होना, टूटना, उसको अपन को क्या कहते हैं, डीकंपोजिशन कहते हैं। कि डीकंपोजिशन रिएक्शन का मीनिंग क्या हो गया, कि दैट केमिकल रिएक्शन इन विच ए सब्सटेंस गेट्स डिसोसिएटेड dissociated into its constituent substance known as decomposition reaction। constituent substance का meaning क्या होता है, कि जो substance जिसको आप decompose कर रहे हो वो सब्सटेंस जिससे बना हुआ है उसी के अंदर क्या हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा। जैसे CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको डिकम्पोज करना है अपने को, तो CO2 किस किस से बना हुआ है, कि सर एक तो कार्बन से बना हुआ है, एक ऑक्सीजन से बना हुआ, किससे बना हुआ है, कार्बन और ऑक्सीजन से। तो सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन होना, डिसोशिएट होना, किसमें, अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंट एटम में या अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स में, तो उसको अपन कौन सी रिएक्शन कहते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। दैट केमिकल रिएक्शन इन विच एनी सब्सटेंस इज डीकंपोज्ड और डिसोसिएटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस नॉन एज डीकंपोजिशन रिएक्शन। जिसमें
सब्सटेंस अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस में डिसोसिएट हो जाता है तो उस केमिकल रिएक्शन को अपन कौन सी रिएक्शन कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। कि सर एग्जाम्पल की बात करें, देखिएगा एग्जाम्पल आपके पास क्या आएगा कि सबसे पहले इसके टाइप के साथ ही इसके एग्जाम्पल करेंगे तो फर्स्ट आता है थर्मल डीकम्पोजिशन, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डीकम्पोजिशन का मतलब क्या हो गया कि आप किसी सब्सटेंस को डिसोशिएट कर रहे हो, आप किसी सब्सटेंस को डिसोशिएट कर रहे हो, वो जो डिसोशिएट हो रहा है सब्सटेंस वो इन द प्रेजेंस ऑफ हीट हो रहा है कि आपने हीट प्रोवाइड करवाई और जैसे ही आपने हीट प्रोवाइड करवाई सब्सटेंस जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस में डिसोशिएट हो जाता है तो उस केमिकल रिएक्शन को अपन कौन सी केमिकल रिएक्शन कहते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन कहते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास है ये कैल्शियम कार्बोनेट जिसको अपन मार्बल भी कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको अपन मार्बल भी कहते हैं, इसको जैसे ही आपने हीट दी, हीट देते ही ये किसमें कन्वर्ट हो गया, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड में और एक CO2 गैस। तो सब्सटेंस कैल्शियम कार्बोनेट किससे बना हुआ था, बना हुआ था कैल्शियम ऑक्साइड से और कार्बन डाइऑक्साइड से। जैसे ही आपने इसको हीट दी, हीट देने पर ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस में या कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स में क्या हो गया, डिसोशिएट हो गया। तो इस केमिकल रिएक्शन को कौन सी रिएक्शन कहा अपन ने, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, कि सर हीट की प्रेजेंस में हो रहा है, कि जब हम इसको हीट प्रोवाइड करवाएंगे तो हीट प्रोवाइड करवाने पर ये डीकम्पोज होगा तो इसके कारण से इस रिएक्शन को अपन कौन सी रिएक्शन कहते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ हीट सब्सटेंस इज डिसोसिएटेड सो द रिएक्शन इज नोन एज थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन का मतलब क्या हो गया, किसी सब्सटेंस का डिसोशिएट होना। अब वो सब्सटेंस किसकी प्रेजेंस में डिसोशिएट हो रहा है, हीट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। अगर हीट की प्रेजेंस में हो रहा है तो उसको कहेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और अगर आपके पास सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है तो उसको कहेंगे फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और अगर इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हो रहा है उसको अपन कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो बच्चों अगर क्लियर है यहाँ तक, थर्मल डीकम्पोजिशन तक क्लियर है तो एक बार हैंड रेज कर दीजिए जल्दी से। अगर थर्मल डीकम्पोजिशन तक क्लियर है तो एक बार जल्दी से हैंड रेज कर दीजिए आप लोग। कईयों के तो हैंड रेज पहले से ही है, जिसके नहीं है वो जल्दी से कर दीजिए। अश्लेष, अभय, आदित्य, गिरीशा अग्रवाल, हिमांशु, मंजीत, तो ये रिएक्शन अपने पास कौन सी हो गई, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन का मीनिंग क्या हो गया, कि सब्सटेंस डिसोशिएट हो इसमें जिससे वो बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स में या कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स में अगर डिसोशिएट होता है तो उस केमिकल रिएक्शन को अपन कौन सी रिएक्शन कहते हैं, डीकम्पोजिशन। अगर डीकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि कोई सब्सटेंस डिसोशिएट हो रहा है वो हीट की प्रेजेंस में हो रहा है तो उसको अपन कौन सी रिएक्शन कहेंगे, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे, नॉन एज थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। आपके पास दो अलग टाइप के और डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, फर्स्ट इज फोटोलाइटिक एंड सेकेंड नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक, है ना। तो फोटोलाइटिक और इलेक्ट्रोलाइटिक, और उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में डीकम्पोजिशन रिएक्शन को आगे करेंगे डिस्कस अपन, और एक और टाइप की रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसको भी नेक्स्ट देखेंगे। ओके, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।